Hi learners, so in this video we will learn the built-in concept of data structures, that is part 2. Part 1 मैंने इसे last video में बनाया है, जहाँ पे मैंने तीन topics को cover किया था. यहाँ पे हम जो topics cover कर रहे हैं, that is stack, queue and linked list. तो छोटा सा एक clip के through आप basically समझोगे कि what is stack, what is queue and what is linked list. इसके बाद हम example के through इसे आगे carry forward करेंगे. So let's step into it and watch this video to understand the concept of these three topics. Ever wondered how data structures work behind the scenes? Let's talk about stacks, queues, and linked lists. Stacks follow the last in first out principle, like a stack of books. Queues operate on first in first out, just like waiting in line. And linked lists? They're like a chain of interconnected nodes. Arrays can mimic stacks and queues, while objects or classes can bring linked lists to life. It's all about organizing data efficiently. Dive into the world of data structures and unleash your coding potential. तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक एरे डिफाइन करेंगे स्टैक के नाम से. नाउ वी विल ऐड नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऐड करने के लिए यूज करेंगे स्टैक डॉट पुश और ऐड करेंगे एलिमेंट, दैट इज 10. इसे हम कॉपी कर लेते हैं. तो यहाँ पे मैंने स्टैकिंग की है, इसे देख लेते हैं प्रिंट करके. सो दिस इज हाउ स्टैक एड्स एलिमेंट ऑन द टॉप ऑफ द अनदर एलिमेंट. 10 के ऊपर 20, 20 के ऊपर 30 एंड 30 के ऊपर 40. सो द टॉप एलिमेंट राइट नाउ इज 40. अब हम यहाँ पे किस तरह से रिमूव कर सकते हैं या रिटर्न कर सकते हैं टॉप ऑफ द एलिमेंट. तो यहाँ पे हम यूज करेंगे पॉप. पॉप जो है दैट रिमूव्स द एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक. तो कैसे काम करेगा, इसके लिए भी सबसे पहले हम बनाएंगे एक वेरिएबल पॉप एलिमेंट के नाम से, और उसके बाद उस पॉप एलिमेंट को देखेंगे. मीन्स एक एक करके हम एलिमेंट को रिमूव या रिटर्न कर सकते हैं. तो सबसे पहले जब मैंने इसको कॉल किया तो इसने 40 को रिमूव किया है. तो इसे देख लेते हैं, जिस एलिमेंट को इसने रिमूव किया है दैट इज 40. और यहाँ पे अब हम स्टैक को देख रहे हैं, तो यहाँ पे अब 10, 20 एंड 30 है. 40 जो है वो दैट इज रिमूव्ड. नेक्स्ट जो टॉपिक हम डेटा स्ट्रक्चर का कवर कर रहे हैं दैट इज क्यू. तो ये फॉलो करता है रूल दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको हम फीफो प्रिंसिपल भी कहते हैं. जहाँ पे ये फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करता है टू द क्यू एंड फर्स्ट वन टू बी रिमूव. जिसको इसने सबसे पहले ऐड किया उसे ही वो सबसे पहले रिमूव करता है. ये सेम प्रोसेस में ही हम वर्क करेंगे, बस यहाँ पे स्टैक की जगह हम यूज करेंगे क्यू. पुश जो मेथड है उसे कॉल करेंगे ताकि हम एलिमेंट को ऐड कर सके इन अ क्यू. तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू डॉट पुश और यहाँ पे कॉल करेंगे एलिमेंट दैट इज 10. अब एक एक करके एलिमेंट ऐड कर देते हैं. 4 एलिमेंट्स को ऐड करें. यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स ऐड किया, प्रोसेस सेम था, बस यहाँ पे मैंने उसको अलग से वेरिएबल को एरे के अंदर डिफाइन किया है दैट इज क्यू. और यहाँ पे मैंने उसे प्रिंट करके दिखाया. तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 एलिमेंट्स ऐड हुए, 10, 20, 30 एंड 40. अब इसका प्रोसेस जो है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टैक. अब यहाँ पे जब हम इसको एरे को रिमूव या रिटर्न करेंगे तो वहां पे वो किस तरह से इसे रिमूव या रिटर्न करना है तो उसे हम चेक कर लेते हैं. तो यहाँ पे हम बनाएंगे लेट करके एलिमेंट विथ क्यू. तो यहाँ पे हम कर रहे हैं क्यू डॉट. अब जो यहाँ पे हम मेथड यूज करेंगे दैट इज शिफ्ट. सो दिस मेथड, ये जो मेथड है दैट इज यूज टू रिमूव एंड रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट. ये रिमूव और रिटर्न करेगा फर्स्ट एलिमेंट. तो यहाँ पे हम इसे चेक करके देख लेते हैं. तो यहाँ पे कॉल करेंगे कंसोल डॉट लॉग और इसके बाद हम कॉल करेंगे क्यू को. तो आप देखोगे यहाँ पे इसने फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव किया दैट इज 10 और यहाँ पे दिस इज द फाइनल क्यू लिस्ट. नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं दैट इज लिंक्ड लिस्ट. सो जावास्क्रिप्ट डज नॉट हैव एनी बिल्ट इन सपोर्ट फॉर लिंक्ड लिस्ट. यू कैन इम्प्लीमेंट देम यूजिंग ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस. तो लिंक्ड लिस्ट कंसिस्ट होता है नोड्स वेयर ईच नोड कंटेन्स अ रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड इन अ सीक्वेंस. तो ये कैसे वर्क करता है जावास्क्रिप्ट, लेट्स सी. तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे नोड. तो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं पहले लिंक्ड लिस्ट. इसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे क्लास नोड के नाम से. तो यहाँ पे जो हम लोगों ने ये क्लास को डिफाइन किया है, ये क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है ईच एलिमेंट इन द लिंक लिस्ट. तो यहाँ पे अब हम लिंक लिस्ट के नाम से एक और क्लास को क्रिएट कर लेते हैं.
और यहाँ पे append के अंदर मैंने बताया है कि you can add a new node to the end of the list. तो यहाँ पे हम add कर रहे हैं method to add a new node to the end of the list. और इस यहाँ पे हम कर रहे हैं print all the elements in the list. तो देखोगे यहाँ पे मैंने 4 elements को add कर दिया 1, 2, 3, 4 and this is the answer. I hope this video is helpful to you. Keep learning, keep exploring, keep sharing. Thanks for watching. Bye bye.